भावलोग, सबसे पहले तो सॉरी, जो ब्रेकडाउन वीडियो परसों रात तक आ जानी थी मैं लेट हो गया क्योंकि शादी सीजन स्टार्ट हो चुका है। चलो फ्रॉम सीजन 3 एपिसोड 7 की पहले एंडिंग एक्सप्लेन करते हैं, देन हिडन डिटेल्स का ब्रेकडाउन करते हैं, क्योंकि एपिसोड भले स्लो था लेकिन काफी कुछ फ्यूचर प्लॉट के लिए सिक्योर करके गया है। एंड थैंक यू, आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही बना रहना चाहिए। शुरुआत करते हैं। फातिमा ने टिली को मार दिया क्योंकि उसे क्रेविंग उठ रही थी और वो अपने अंदर के इविल से लड़ भी रही है, जो उसे दोबारा से इन रॉटन वेजीज को खाने पर मजबूर भी कर रहा था। बट टिली ये सब जानती थी। एंड देन जब फातिमा ने टिली को मारा तो उसने एक बात बोली, फातिमा रन, जिसके पीछे कनेक्शन है बाबा, बहुत सॉलिड कनेक्शन है, क्योंकि टिली जानती थी फातिमा के अंदर जो है उसे नरभक्षी बना रहा है। फातिमा निकी की तरह है, टिली का खून भी ना टेस्ट करे, दैट्स वाई टिली का ये कहना था कि फातिमा रन, क्योंकि उसमें उस मॉन्स्टर बेबी की ही जीत होगी जो फातिमा से एक्चुअली ये सब करा रहा है और उसे डे बाई डे करप्ट भी करते जा रहा है। एंड अगेन फातिमा टिली का जख्म जब चाटेगी तो मोस्ट प्रोबेबली वो मॉन्स्टर इविल में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि उसके मुंह में खून जो लग जाएगा, दैट्स वाई टिली का कहना था फातिमा रन। लेकिन फिलहाल एलिस भी पहुंच चुका है, पर क्या लगता है फातिमा रुकेगी या एलिस के सामने ही टिली को खाने लगेगी? अगर बाय गॉड ऐसा मिल जाता है एपिसोड 8 में तो भाई लिटरली मजा आएगा, क्योंकि एलिस को शायद रॉटन वेजीज खाने का सच पता है, ये नहीं पता है, या फिर ये भी हो सकता है कि टिली की तरह फातिमा एलिस पर भी अटैक कर दे, क्योंकि इसके भी चांसेस हैं। मॉन्स्टर बेबी कुछ भी करवा सकता है क्योंकि फातिमा बहुत हद तक अनकंट्रोलेबल दिख रही है, वो अपने कंट्रोल में नहीं है बाबा। दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि मेकर सिर्फ यहीं तो नहीं रोकने वाले हैं, इतना भी भरोसा है बाबा। देखते हैं एपिसोड 8 में इस इंसिडेंट के बाद फातिमा के साथ फ्यूचर प्लॉट और क्या हो सकता है, वो नेक्स्ट थ्योरी एक्सप्लेनेशन वीडियो में थोड़ा डिटेल में और बात करेंगे। नाउ टॉक अबाउट वन मोर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी, एल्जिन। बाबा एल्जिन को सेलर बेसमेंट के अंदर एक और हाइडिंग सेल मिला है जो यूजुअली वॉर टाइम पर ज़्यादा इस्तेमाल करे जाते थे या बनाए जाते थे, और खासकर हाई अलर्ट एरिया में ही, और जो सेल है वो काफ़ी छोटा भी है एंड पुराना देखने में भी लग रहा है, जहाँ उसे एक डिकेइंग बॉडी भी मिली है जो एक मेल बॉडी ही लग रही है। एंड तभी किमिनो वुमन भी आ जाती है वहाँ, जो देख कर यही लग रहा है कि किमिनो वुमन एल्जिन को यहीं लाना चाहती थी। बट किमिनो वुमन का इस डिकेइंग बॉडी से क्या कनेक्शन हो सकता है? देखो बहुत सी थ्योरी बन सकती है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये किमिनो वुमन का हस्बैंड ही हो सकता है। खैर आप लोगों का क्या कहना है बाबा, नीचे कमेंट से जरूर बता के जाना। बाकी बात यहीं खत्म नहीं होगी। एक भाई का बड़ा प्यारा कमेंट आया था जिसने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी थी कि मे बी ये कनेक्शन वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का हो सकता है, क्योंकि ऐसे अंडरग्राउंड सेल उस समय अधिकतर बनाए जाते थे। दूसरा एक बात और कही कि ये जो भी मॉन्स्टर क्रिएचर हैं शायद नाजीज का कोई फेल एक्सपेरिमेंट हो। देखो पॉसिबल है, हो सकता है, और इस जगह पर ये एक्सपेरिमेंट चल रहा हो, लेकिन 1864 की एक पर्ची भी मिली थी अगर याद हो आपको तो बाबा अमेरिका में 1864 में एक अमेरिकन सिविल वॉर हुआ था, नैशविले सिविल वॉर। तो इस पार्ट को एक बार थ्योरी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में भी कवर करेंगे अच्छे से, वो देखते हैं आगे, कुछ लूपहोल जरूर निकल सकता है यहाँ। बाकी बाबा आप लोगों का हिसाब से किमिनो वुमन आखिर एल्जिन से कौन सी हेल्प लेना चाहती है इस डिकेइंग बॉडी को दिखाकर? क्या है तुम्हारे थॉट्स, बता के जाना ये भी कमेंट बॉक्स। बाकी टैबिथा एंड जेट के पार्ट के अगर बात करें तो इतना इंटरेस्टिंग फिलहाल कुछ नहीं मिला है। मे बी 8th एपिसोड में इस प्लेस को लेकर कुछ तो बाबा ये करेंगे। खैर इस प्लेस पर बहुत सी थ्योरी हम पहले ही बना चुके हैं, तो वही घिसी पीटी बात करके दोबारा से कुछ फायदा नहीं है। दूसरा नया कुछ नहीं था। हाँ ये कनेक्शन निकल रहा है कि बाबा जो आंकुई चिल्ड्रन हैं शायद इनकी यहाँ पर बलि दी गई हो, और मे बी इस रिचुअल को कंप्लीट करने के लिए या फिर इस रिचुअल का पार्ट ये वन आइट ब्लड ड्रिंकर भी हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आंकुई चिल्ड्रन शायद इसी वन आइट ब्लड ड्रिंकर के बच्चे भी हों और वो जेड से उन्हें रिलीज करने की मदद मांग रहा हो, हेल्प मांग रहा हो, जो हमें देखने को मिला था एपिसोड 3 में। देखते हैं एपिसोड 8 में शायद कुछ यहाँ से प्लॉट निकल कर आ जाए, कुछ थ्योरी बनेगी सॉर्ट में। बाकी जेस्पर एंड विक्टर के पार्ट में भी फिलहाल कोई इंटरेस्टिंग लूप होल नहीं दिख रहा है। सारा के घर आया है उसके बेसमेंट में अकेले में बात करने के लिए जेस्पर से, देखते हैं यहाँ एपिसोड में कुछ मिलेगा तो। बाकी हाँ रैंडल एंड जूली का पार्ट कुछ कुछ कह के गया है, जहाँ रैंडल अभी उस स्पेल से आज़ाद नहीं हुआ है जिसकी वजह से वो एपिसोड 4 में क्रिएचर्स के बीच में फंसा था, क्योंकि उस डंजन्स प्लेस के पास जाते ही उसे दोबारा से वही बक्स दिखे जो उसे एपिसोड 4 में दिख रहे थे जब वो क्रिएचर्स के बीच में फंस गया था। देन जूली एंड रैंडल बोथ फील सम काइंड ऑफ एनर्जी जो उन्हें उस डंजन्स प्लेस तक खींच कर ला रही थी। देखो रैंडल तो कनेक्टेड है बाबा अभी तक, मे बी यही प्रॉब्लम अब जूली के साथ भी होने लग जाए आगे। देनिस चपेटे में शायद मेरिल भी आ सकती है, और वही सिनेरियो जो हमें सीजन 2 के एंडिंग के टाइम पर देखने को मिला था, फिर से वही मंजर इन तीनों के साथ होने के आसार लग रहे हैं। और जो एक्चुअली रास्ता टेविथा एंड जेड निकालने की कोशिश कर रहे हैं उस ओल्ड सेटलमेंट प्लेस में जाकर, शायद ये इंसिडेंट उनको
उस काम पर बाधा डालने का काम कर सकता है। देखते हैं एपिसोड 8 हमारे लिए क्या क्या सरप्राइजेस लेकर बैठा है, लेकिन फातिमा के साथ जो एंडिंग हुई बा वो बहुत ब्रूटल थी। बाकी हम मिलते हैं एपिसोड 8 के प्रोमो ब्रेकडाउन वाली वीडियो में। देन उस प्रोमो से कुछ अगर सॉलिड मिलता है तो अगेन एक थ्योरी प्रिडिक्शन वीडियो बनाएंगे जिसपे थोड़ा खुल के और बात करेंगे, क्योंकि फ्यूचर स्टोरी से रिलेटेड मेरे पास भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। मैं एक साथ सारा कुछ स्पॉइल नहीं करना चाहता, मेकर की स्टोरी के साथ साथ चलना ही चाहता हूँ, जो वो दिखाएंगे उसके साथ साथ बातें करते रहेंगे। बाकी ये सीजन खत्म होते होते इसकी स्टोरी बहुत हद तक डिकोड करने की कोशिश करेंगे हम सब मिलकर। नाउ व्हाट इज योर थॉट अबाउट फातिमा, बता के जाना जरूर नीचे कमेंट बॉक्स पर। वीडियो कैसी लगी वो भी जरूर बता के जाना, और भी कुछ क्या यहाँ से लूप होल निकल रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है वो भी जरूर बता के जाना। बाकी यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब वीडियो पसंद आई है, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।